दर्शकों को स्वागत है आपका विधि संयम टी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारिया। अब देखते हैं दिनभर की खास खबर। एसएसएल जैन कॉलेज मैदान में होगा रावण वध। रावण वध की तैयारियों को लेकर प्रशासन व धार्मिक संगठन के लोग पहुंचे मैदान में, हो रही है रावण वध की तैयारियां। बेतवा घाट किनारे शनि मंदिर के पास है प्राचीन बेरी का वृक्ष। बेरी के वृक्ष पर लोग लगाते हैं ताला। मान्यता अनुसार दुश्मनों से दुश्मनी होती है खत्म। मिस यूनिवर्स इंडिया आई गर्व महोत्सव में द प्राइड होटल में रखा गया स्वागत व सम्मान। नगर के वरिष्ठ और गणमान्य पहुंचे। विदिशा के बेतवा नदी के घाट पर न्याय के देवता शनि मंदिर के पास एक बेरी माता का पुराना मंदिर है, जहां बेरी माता के दरबार में एक बेरी का वृक्ष भी है। उक्त वृक्ष पर अपने शत्रुओं के नाम का ताला लगा देने से शत्रुता खत्म हो जाती है, ऐसी मान्यता बताई जा रही है। इस बेरी के वृक्ष पर सैकड़ों की संख्या में ताले लटके हुए देखे जा सकते हैं, शनि मंदिर के पुजारी ने जानकारी दी है। चाबी दे गई। मेरा राधे लाल नाम है। नवग्रह शनि मंदिर के पुजारी हूँ। ये मंदिर कहाँ पर है? ये बेतरवती तक बलवाड़े घाट की दिशा। यहाँ पर जो देखा जा रहा है तो बेरी है, बेरी में बड़ी संख्या में ताले, क्या महिमा है तालों की? ये बेरी माता है ताले वाली, यहाँ पे अपने भक्त अपनी मनों का कामना पूर्ण करने ताले भी डालते, हर काम भगवान माता श्री सुनती है। बेरी माता ताले वाली। बेरी माता का मतलब क्या है? इसके ताले पहले से जहाँ पे थे लगे हुए, पेड़ था जो बेरी का, आज भी मौजूद है। किसी दुश्मन के भी नाम को ताले? सबके नाम के लड़ते हैं, हर काम होते हैं जहाँ पे किसी दुश्मन बेरी, के नाम? बेरी दुश्मनों को नाम भी भगवान, कोर्ट कचहरी भी भगवान की कृपा से सुलता मिलते उनको, है उनके काम होते हैं भगवान। कितने ताले लगे होंगे? इनसे ज्यादा ताले समाज दे चुके हम, और बाकी जो ताले सामने हैं अपने लिए दिखा रहे हैं। नवरात्रि में क्या महत्व पड़ जाता? बहुत महत्व, आज जनता आ रही जा रही दर्शन कर रही है। नवरात्रि में भक्त बहुत दर्शन कर रहे हैं यहाँ पे। महाकाल गुरुद्वारा नवरात्र पर्व के चलते गरबा महोत्सव का आयोजन किया गया। गरबा में मिस यूनिवर्स इंडिया अमृता त्रिपाठी विशेष मेहमान के रूप में आईं। वहीं द प्राइड होटल संचालक रवि तलरेजा द्वारा उनका स्वागत व सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। नगर के वरिष्ठ और गणमान्य इस मौके पर उपस्थित रहे। वुमेन्स ग्रुप की सदस्याएं भी उपस्थित थीं। परिवार के सदस्य कहेंगे, हमारी श्रीमती अंशु गुप्ता जी जो भोपाल से विशेष आग्रह पे यहाँ पर सम्मानित लोगों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। और हम सभी के बीच आज जो विश्व सॉरी विश्व नहीं ब्रह्मांड की सुंदरी हम सब देश को लेकर आप विदिशा पधारे। नमस्कार, मैं अंशु गुप्ता और विदिशा मेरा परिवार है, मेरा घर है। और आज एक भव्य आयोजन जो कि महाकाल ग्रुप द्वारा आयोजित है, गरबा डांडिया रास, यहाँ पर हम आए हैं। और पूरा भोपाल आज आपको लग रहा है कि यहाँ आया है मेरे साथ, और पूरा विश्व आया है अमृता के साथ, क्योंकि
आप हमारे साथ आई हैं, महिलाओं के लिए एक मोटिवेशन है, एक प्रेरणा स्रोत है, मिसेज यूनिवर्स रही हैं आप। और मैं चाहती भी हूँ कि जो आज जिस देवी की उपासना में महाकाल द्वारा गरबा डांडिया रास आयोजित किया गया है, तो ये एक सिंबल बने, हमारी शक्ति का प्रदर्शन बने कि हम महिलाएं हर स्तर पर, हर जगह, चाहे वो घर परिवार हो, कार्य क्षेत्र हो, या फिर हमारी शक्ति को प्रदर्शित करते हुए देश का वर्चस्व हम जब विश्व पटल पे रखते हैं, तो इस तरह की शख्सियत हमारे बीच में होती हैं। तो यही सब मंतव्य लेके हम, मैं भोपाल से और अमृता भी भोपाल से ही हैं, और हम सब यहाँ आए हैं। और मैं चाहती हूँ कि विदिशा की महिलाएं भी अपने विश्व पटल पे अपनी छवि बनाएं, यहाँ से भी मिसेज यूनिवर्स आगे आए। इतिहास है इसका, तो इतिहास है इसका, इतिहास का बिल्कुल। आपका स्वागत है, धन्यवाद, आप सभी का बहुत सारा धन्यवाद। आज विदिशा में आपको विदिशा वासियों ने आमंत्रित किया, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी मिल रही है, जिस तरह से मेरा स्वागत किया गया, जितना प्यार मुझे यहाँ मिल रहा है, मैं अभिभूत हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद विदिशा। आज किस आयोजन में आपका? जी, मैं महाकाल ग्रुप द्वारा आयोजित गरबे में आज भाग लेने के लिए आई हूँ एज अ चीफ गेस्ट। विदिशा में कुछ आपको कुछ विदिशा का इतिहास कुछ पता है? बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं जानती हूँ, पहली बार ही मैं इस शहर में आई हूँ, और मैं बिल्कुल जानना चाहूँगी अगर आप कुछ बताते हैं इस बारे में। कैसा लग रहा है आपको विदिशा में आप आई हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत अभिभूत हूँ मैं, जिस तरह से मुझे यहाँ पर लोगों ने वेलकम किया है, मेरा स्वागत किया है, थैंक यू सो मच। SSL जैन कॉलेज प्रांगण में दशहरे के दिन रावण का दहन होगा, रावण दहन की तैयारियाँ की जा रही हैं। वहीं हिंदू संगठनों के साथ साथ नगर के वरिष्ठ गणमान्य भी जैन कॉलेज मैदान पहुंचे, जहां रावण वध की तैयारियों को लेकर व्यवस्थाएं की जा रही हैं। जिला प्रशासन के SDM सहित रामलीला मेला समिति, सनातन श्री हिंदुत्व समिति के प्रमुख भी मौजूद रहे, नगर पालिका CMO की इस मौके पर उपस्थिति रही। गाड़ी पार्किंग आपकी वहाँ से सीधी आई, सीधी वहाँ चले गए पीछे की नहीं आपको विदित है कि विदिशा में प्रतिवर्षानुसार दशहरा का महोत्सव जो है बड़े हर्षोल्लास और बड़े परंपरागत ढंग से मनाया जाता है, शमी का पूजन होता है, इसलिए ये जो दशहरा मैदान का ग्राउंड है उसमें शमी पूजन की कार्रवाई करने के लिए ठाकुर साहब और उनके परिवार के लोग आएंगे, इसलिए यहाँ पर बैरिकेडिंग कराई गई है, और फिर रामलीला समिति द्वारा यहाँ पर दशहरे का रावण का दहन किया जाएगा, उसी की तैयारियों के लिए आज सभी पक्षों को बुला के और उसकी व्यवस्थाओं को दिखला दें। विधानसभा चुनाव के दौरान CSP राजेश तिवारी ने बताया कि SST द्वारा वाहनों की सघन जांच चेक पॉइंट पर की जा रही है, नाकाबंदी 3 पॉइंट पर लगाई गई है, संदिग्ध वस्तुओं की जाँच की जा रही है, सभी 4-पहिया वाहनों को रोक कर चेक किया जा रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए SST पॉइंट, नाकाबंदी पॉइंट लगाए गए हैं, तो अपने विदिशा विधानसभा क्षेत्र में 3 अंतर जिला नाकाबंदी पॉइंट चल रहे हैं, जो एक सांची रोड पे है, एक अपने उदयगिरी से गुलगांव वाली रोड पे है, और एक अपना अहमदपुर गांव के पास पे है। इन पर लगातार संदिग्ध वस्तुओं की और ऐसी चीज़ें जो चुनाव को प्रभावित कर सकती हैं उनकी तलाशी की जा रही है, और ऐसी सामग्री मिलने पर उनकी जब्ती की कार्रवाई भी की जा रही है। नवरात्र पर्व के चलते दुर्गा नगर स्थित दुर्गा माता मंदिर में धर्म प्रेमियों द्वारा अखंड ज्योतियां प्रज्वलित की गई थी, जहां माता के दरबार में कई लोगों ने ज्योतियां प्रज्वलित की थी, बड़ी संख्या में
श्रद्धालु माता के दर्शनों के लिए पहुंचते हैं और ज्योति जलाते हैं। 1000 से ज़्यादा तेल और घी की ज्योत नवरात्र में प्रज्वलित की गई है। विगत 50 वर्षों जूझ जल रही है। ये ज्वाला देवी के नाम से पीठ स्थान पर वो है। इस मंदिर में माँ भगवती विशेष कृपा है। ये मंदिर स्वतः जागृत है। इस मंदिर में माँ भगवती 8 से 12 में 35 वर्ष की आयु रहती है, 12 चार भूमि रहती है, 4 से 7 कन्या का रूप रहती है और हजारों लाखों आदमियों की मनोकामना पूर्ण हुई। वे इस आस्था का केंद्र है। इधर घी की जोत जल रही है, इधर तेल की जोत, 901 जोत जल रही है, जिसमें 800 तेल की जल रही है एक और 151 घी की जोत जल रही है। और विगत 50 वर्षों से 6 जोत जल रही है, 2 जोत घी की जल रही है, 4 जोत तेल की जल रही है और ये प्रशांत खरे साहब की इनकी जोत भी तेल की जल रही है 2 वर्ष से। और ऐसे कई लोग भगत हैं, जैसे डॉक्टर चौरसिया हैं और लोग, कई लोग उनको विदेशों के कई लोग जोत जल रही है और उनकी मनोकामना पूरी थी। जहाँ से जो जगह हैं वो लोग विशेष तौर पर जोत जल पाते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की चौहान पे 25 वर्षों जल रही है और उनकी जोत 12 महीने जलती रहती है और जनता जनार्दन प्रातः 4 बजे मंदिर खुल जाता है और रात को 12 बजे तक मंदिर खुला रहता है। प्रदेश वासियों से और विदिशा वासियों से विनम्र निवेदन करते हैं कि गौ माता आज हमारी अन्य चीज़ खा रही है, उनके लाने हम विशेष तौर से आह्वान करते हैं। पहली रोटी गौ माता के लाने निकाली जाए घर की, वो पितरों का उनमें वास रहता है। आज गऊँ भ्रष्टा और चीज़ें खा फिर रही हैं और दर दर भटकती फिर रही हैं, इसलिए सबसे जनता से निवेदन है एक रोटी, सबसे पहली रोटी गौ ग्रास के लाने निकाली जाए जी। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद सभी लाइसेंसी शस्त्र और हथियार निलंबित कर दिए गए थे, जिन्हें संबंधित स्थान में जमा करने के निर्देश जारी किए गए थे। विदिशा CSP के अनुभाग के अंतर्गत 5 थाने, जिनमें विदिशा कोतवाली सिविल लाइन थाना, ग्यारसपुर थाना, गुलाबगंज थाना और करारिया थाना शामिल हैं। इनमें कुल 1994 लाइसेंसी शस्त्र दर्ज थे, जिन्हें संबंधित थानों में जमा करने को कहा गया था। शनिवार देर शाम CSP राजेश तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी थाना क्षेत्र में से अब तक 1890 शस्त्र जमा कराए जा चुके हैं। ग्यारसपुर थाने के 2 शस्त्र सीज बचे हैं, जो शस्त्र मालिक बाहर गए हैं, वापस आते ही शस्त्र जमा हो जाएंगे। इसके अलावा 112 हथियार ऐसे हैं जिन्हें शासन और आयोग की तरफ से हथियार रखने की छूट दी गई थी, जो सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्यरत हो सकते हैं। सर आज से फॉर्म भरने चालू हो गए हैं तो लगभग कितने हथियार अपने क्षेत्र में हो गए हैं? कितने अनुभाग विदिशा के 5 थानों में कुल 1994 लाइसेंसी शस्त्र थे, जिसमें से 1890 शस्त्र जमा हो चुके हैं। 112 शस्त्र धारक ऐसे हैं जिन्हें शासन के नियमावली अनुसार उनको छूट प्राप्त हुई है और मात्र 2 हथियार, 2 आर्म्स 11 थाना में पेंड जमा होने लिए के लिए शेष हैं, जिनके शस्त्र वो बाहर गए हुए हैं, एक आध दिन में वो बाहर से वापस आ जाएंगे तो वो भी जमा हो जाएंगे। इस प्रकार से 100% शस्त्र जमा कराने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है।
आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विधि से एमटी न्यूज़। नमस्कार।